हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो यूट्यूब में हमने देखा कि दो पार्ट में था, ओके, पार्ट वन और पार्ट टू, लास्ट एपिसोड। यस, पर पार्ट वन में बेसिकली तो पूरी स्टोरी का छोटा छोटा क्लिप, अच्छा, रिवाइंड, ओके, इस टाइम पर रीकैप था पूरा, रीकैप किया। तो फिर वो तो नहीं करें, दूसरी स्पॉइलर दे दिए, तो ठीक है, लास्ट एपिसोड करते हैं। आइए, लेट्स वॉच इट। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी, बच्चों सलाम करो। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, तुम लोगों ने अपने मास्टर जी को तंग तो नहीं किया? नहीं, हम बाहर क्यों आ गए? जी डूब गया था मेरा कमरे में, देखे देखो नया तालीम साथ शुरू होने वाला है। बच्चे तुम सबको जाने पाजी क्लास छोटी क्लासों के डाक्टरेशन हो जाएंगे, सोचा चल कर डाक्टरेशन करो। ये स्कूल छठी जमात से हाई स्कूल तक होता सुधर नहीं है। दुख तो इसी बात का है, यहाँ पांचवी जमात के बाद स्कूल ना होने की वजह से बच्चे बाप के साथ काम में लग जाते हैं, क्या फिर दुकान पर बैठ जाते। मुझे पूरा यकीन है एक दिन यहाँ पर हाई स्कूल बल्कि कॉलेज भी बनेगा, उसका इंतजाम अपने हाथों से करें। देखिएगा, तुम कहते हो तो मान लेते, कभी कभी दुश्मनी को भी फिर भी जगह देनी चाहिए जिसे दिल राजी रहता है। आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा मास्टर जी, इंशाअल्लाह। से कल बच्चों का रिजल्ट है, आपको याद है? हाँ बेटा, मुझे ये रात भर नहीं हुई अभी, क्योंकि यहाँ है पर आते आते शाम ढल जाती है, बाजार में बोल जरूर आते या खुद तुम्हें पता है जल्द सही नहीं है, वरना मैं हूँ बेफिक्र सुनाते ही मैं ले आऊँगा। बच्चों, आज का दिन आपके लिए बहुत खुशी का दिन, क्योंकि आपका नतीजा आने वाला है और इसके बाद जब आप नतीजा सुन लेंगे खुश भी होंगे, उसके बाद आपकी छुट्टियां हो जाएगी। अच्छा, सर्दी में आप क्या करेंगे? और खेलेंगे भी, ठीक है, और मेरे पास कोई शिकायत ना आए, ठीक है, और पढ़ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट किया है, माशाल्लाह, बहुत कामयाब करेगा, आमीन। मगर जावेद, आपने इस पूरे जिले में टॉप किया है, आपको बहुत शाबाश।
की याद आती है याद है से उजल जाते। क्यों चले गए आप?
हमारे साथ क्यों चले हैं? खुद को कोई कुछ बात है क्या? नाम तो बदल दिया आपने, क्यों? आखिर क्यों किया आपने सब कुछ? बोल दे, अब तो बोल दे। बच्चे सबके लिए शायद ये दुनिया में बहुत छोटी पड़ गई है छुपने के लिए। नहीं नाना, ये सामना ना अपराध है। कहाँ कहाँ नहीं हुआ, सूटे हर जगह मैं आपको छानने की कोशिश की, लेकिन आप यहाँ इस दूर दराज कस्बे के एक छोटे से स्कूल में, यहाँ का पता किसने दिया? आपके पुराने अंडे वो आखिरी शख्स जिसे आपने ब्लाइंड ट्रस्ट बनाने के सिलसिले में फोन कॉल की थी, वो नंबर इसी इलाके के वफादारों से आपका नंबर निकलवाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर आपकी मैनेजर कमाई ने हमारी मदद की। आपके अंडे तक के पास इस गुमनाम नंबर के अलावा आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम तो बस अब मायूस होकर वापस जाऊंगा। स्कूल में कैसे आना होगा? हमारा अमेरिका से वापस आने के बाद एनी डे न्यू स्टैंड ज्वाइन कर लिया, हम इस इलाके में पहले से मौजूद थे। उसको इसी स्कूल के एक बच्चे के ऊपर रिपोर्ट बनाने का असाइनमेंट दिया गया कि इतनी गुर्बत में, इतनी मुश्किल हालात में इस बच्चे ने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर लिया। बस ये रिपोर्ट बना के हम आज शाम वापस जाने वाले थे। अच्छी बात है, तो उसे यहां से ले जाओ सर जी। बच्चों में मैंने अपनी जिंदगी के मकसद पा लिया, मैं वापस नहीं लौटा। जिनको आप अपने माजी के रास्ते पर भटकना छोड़ रहे हैं, उन लोगों का क्या बोलने का? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी सर्जरी के लिए तैयार होते हैं, तो सब छोड़ छाड़ कर वापस आने के लिए तैयार होते। तुम्हें उससे दोबारा झूठ बोलना पड़ेगा सर जी, उसे नहीं बताओगे कि मेरी तुम्हारी यहाँ मुलाकात है, उसकी नजर को फंसा दे दिए। और तुम दोनों साथ हो गए, आखिर क्यों क्यों छुपा रहे हैं आप अपने आप को इससे? ऐसे क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके? तुम नहीं समझोगे तो शायद मुझे अभी भी ना पहचान। शर जी तुम यहाँ खड़े हो, सारे में हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं भाई, बच्चों से बातें करो, देयर अमेजिंग, देयर लवली, मेरी तो सबसे दोस्ती हो गई है। Hey. एक सेकंड। Yeah. इन्होंने स्कूल के बच्चों को बोर्ड एग्जाम से तैयार कराई। अरे 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 मास्टर अहमद, आपने तो कमाल कर दिया, पूरे जहान में आपके चर्चे हैं। अब आपको मुझे वक्त देना होगा, आपको इंटरव्यू करना चाहती हूँ। सब बातें बाद में, प्रोग्राम शुरू हो चुका है भाई, सब इंतजार करें। आपके प्रोग्राम के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम देना है, ठीक है? प्लीज आप भी आइए, आओ सब इंतजार करें। आप जानते,
माँ के ठीक होने के बाद उसने सबसे पहले आपके चेहरे को देखने की फरमाइश की, मगर आपने तो अपनी किसी तस्वीर का नामो निशान नहीं छोड़ा। शायद आप तस्वीर की बारे से भी करते थे। वो तक मैंने उसको दिखा सका तो डाला मैंने, किसी को पहचानने के लिए देखती नजर काफी होती है। आज पता चला मेरी दरख्वास्त है
हुकूमत से और महकमा तालीम से इल्म को दर्जों में ना बांटे। तालीम तो हर किसी के लिए एक जैसी होनी चाहिए और यकसा तालीम हर बच्चे का हक है, वरना ये उर्दू अंग्रेजी की तफरीक हमारे बच्चों की रूहों को भी तकसीम कर देगी और हमेशा की तरह हमारी वादे का क्या जो आपने मुझसे किया था? मैंने खुद का वादा निभाया। मैं नहीं चाहता मुझे तुम्हें किसी एहसान के तुम्हें नहीं दिया जो तुम्हारे काबिल था। शजीन तक भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और आज भी उसी मुझे डिफाइस आपके ख्यालात से भी आपके अल्फाज मेरे दिल पे खुद गए थे। उस मोहब्बत की कदर नहीं किया आपने लोगों से? हुनर जानते थे इतने बड़े लव गर्व होने के बावजूद। होना अलग बात है, मोहब्बत को पा लेना एक अलग एहसास। मुझे
से तो नसीब में कहा। मैं आज तक एक चीज सीखी है, ये जिंदगी खूबसूरत लफ्जों के सहारे के लिए नहीं जी जा सकती। आपके तजुर्बे की नफी नहीं करना चाहती लेकिन इतना जरूर जानते हैं जैसे लोग मौजूद हैं जो जीना जानते हैं, किसी को लफ्जों से मोहब्बत करते आपके अंदर के खौफ को खत्म कर सकते हैं। मेरे अगर मोहब्बत पर से अखबार उठ गया था, मुझे दोस्ती मान लिया होता। दोस्ती तो ये फर्क नहीं मानती ना। जिंदगी मोहब्बत के बिना काटी जा सकती है। मकसद के बिना नहीं। गरीब और यार मददगार बच्चों की तालीम में जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया। सचिन के मामले में कैसे कमजोरी में से घुस रहा हूं। मैं जानती हूँ कि जमाने भर के पाले हुए एक पल में नहीं खत्म किए जा सकते। दूसरे को फिर से जानने का और खोजने का दूसरा मौका तो दे सकते। बिना किसी शर्त बिना किसी उम्मीद के आपने तो बताया है कि आपको जिंदगी का नया मकसद मिल गया। मास्टर गुलाम अली साहब ने बताया मुझे आपने इन गरीब बच्चों की तालीम तरबियत में दिलवा देख गए थे। उर्दू का मुझे भी जन्म है सदस्य। सबसे बेहतरीन उर्दू की अकेडमी बनाने की कोशिश करते बहुत अच्छे असिस्टेंट हूँ। आपको मायूस नहीं करूँ।
काम का क्या होगा? मैं कमजोर ही हूँ। यू पे एक छोटा सा एफएम रेडियो खोलूं। आपने सुना है ना? Once a radio person, always a radio person. जरूरी बात कहने में कोई वादा निभाने में तुम्हें आवाज देने में तुम्हें वापस बुलाने में हमेशा देर की मैंने मिला इतना दिल को मजा आ गया यार। हाय लास्ट के दो एपिसोड बहुत शायराना थे, बहुत मजेदार शायराना, टेंशन थोड़ा, गुस्सा थोड़ा, यू नो क्या क्या चीजें हो रही थी। एक मैं अच्छा माना था, इसीलिए सीरियल इतना अच्छा था ना ये, ठीक है मेरे को उसको चाहते ना लोगों को पैसे कमाना और खींच सकते, लेकिन अच्छा है कि सही टाइम पे सही टाइम और ड्रैग करने को नहीं देगा, तो वो एक खूबी है। यदि कभी कोई सीबी सीट हो जाता ना तो वो तो नजारा चलता है और खींचो और खींचो, बट अच्छा किया प्रॉपर एंडिंग की है, क्योंकि मेरे ख्याल से और थोड़े एपिसोड हो जाते थोड़े टाइम बाद ना क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट हाय अपनी अपनी तरीके से ऊपर आगे की वजह से क्या सीरीज है। वो भी महापारा सिल्वर जुबली सबको सेटल कर दिया और अब यहाँ सेटल कर दिया है। हाँ सीजन टू बना सकते हो, चलो स्टोरी से बस नो डाउट, बट आई लव द कैरेक्टर जो जो हम किसी को भी नहीं बोल सके, लाइक सब लोग लाइक एंड एंड में माजिद भी ठीक हो गया, लाइक वो भी याद है, इतना प्यारा सीरीज है यार।
दूसरा सीरीज बताइए क्या करना है कमेंट सेक्शन में जरा फटाफट। तब तक के लिए वेट करते रहिए हमारे वीडियो का और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय टेक केयर।